पंजाबी क्लास। हाँ जी बच्चे, आपां पंजाबी क्लास दे विच व्याकरण दा अज आपां जिहड़ा टॉपिक करन जा रहे हैं उसका नाम है वचन, ठीक है, जिन्हों के इंग्लिश आपां नंबर कहते हैं। सब तो पहला वचन की आपां परिभाषा जानते हैं, वचन की हुंदा है। जिन्ना शब्दों तो सानू एक जां एक तो ज़्यादा चीज़ां पंछियां व्यक्तियां जानवरां दी होण दा पता लगता है उसनू असीं वचन कहिंदे हां। एक बार फिर मैं दोबारा तुहानू वचन की परिभाषा दस रही हां। जिहड़े शब्द जां जिन्ना शब्दों तो सानू किसी एक जां एक तो ज़्यादा चीज़ां व्यक्तियां पंछियां जानवरां दे होण दा पता लगता है उसनू असीं वचन कहिंदे हां। फॉर एग्जाम्पल जिवें कापी कापियां, कापी इहदे विच एक वचन है क्योंकि यह सिंगल कापी है। कापी तो ज़्यादा बहुवचन बन गया, मतलब एक तो ज़्यादा कापियां। कापी एक वचन, इहदा बहुवचन बन गया कापियां। मुंडा मुंडा एक वचन क्योंकि एक मुंडा है। मुंडे तो ज़्यादा मुंडे बन गए तो यह बहुवचन बन गया, मतलब मुंडा तो मुंडे। हाँ जी, वचन दीआं किस्मां, वचन दो प्रकार के होंदे हन, एक वचन ते बहुवचन। एक वचन की परिभाषा जो है वह इस तरह है, जिन्हां शब्दों तो सानू एक ही व्यक्ति पंछी जानवर जां वस्तु के होण का पता लगे उसनू असी एक वचन कहते हाँ। जिवें मोटा चिट्टा कुर्सी पेंसिल वड्डा छोटा आदि। हाँ जी, इस तो अगे जिहड़ी किस्म है वो है बहुवचन। बहुवचन की हुंदा है, जिन्हां शब्दों तो सानू एक तो ज़्यादा व्यक्तियां चीज़ां जां जानवरां पंछियां दे होण दा पता लगे उसनू असी बहुवचन कहिंदे हां। जिवें कुड़ियां मोटे वड्डे कुर्सियां पेंसिलां किताबां आदि। हाँ जी, लास्ट से असी जो टॉपिक है वचन कितना बदलते हैं वो आप कुछ एग्जाम्पल लेने हैं। हाँ जी, आप तीन चार एग्जाम्पल लेके वचन बदलते हैं। मोटा वड्डा कुड़ी पोत गां। हाँ जी, मोटा अपने को एक वचन है। एक वचन तो आप जब बहुवचन चेंज करांगे तो मोटे का आएगा, मोटा तो बन गया बहुवचन मोटे, मतलब एक तो ज्यादा मोटे व्यक्ति। हाँ जी, अगला शब्द है अपने को वड्डा। वड्डा मतलब एक ही इंसान है जेड़ा वड्डा, उन्हों आप बहुवचन के विच चेंज करना है तो अपने को आ जाएगा वड्डे, मतलब एक तो ज्यादा गिनती च वड्डे व्यक्ति है जेड़े। जिहड़ी फोर्थ थर्ड है अपने को कुड़ी। कुड़ी मतलब एक सिंगल कुड़ी है, इनू आप बहुवचन च चेंज करना है तो अपने को आएगा कुड़ियां, मतलब एक तो ज्यादा कुड़ियां बहुगिनती च कुड़ियां। लास्ट है गां। गां तो आ जाएगा अपने को बहुवचन गां। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।